जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण सरकार ने कर्फ्यू में सख्ती बढ़ाई है। जिला भर के दुकानों में उन्होंने जो दौरा किया था, साथ में उनके साथ विभिन्न थाना के फील्ड स्टाफ भी डटे रहे। उन्होंने बताया कि ये अच्छी बात है कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। एसपी ने कहा कि अभी मुख्य फोकस है कि नियमों का पालन। शादी में भी थानों से फोन किए जा रहे हैं, इसके अलावा क्रॉस चेकिंग भी वे खुद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई कोरोना कर्फ्यू और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो लोग सीधे उनके नंबर 8988001000 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि सीधी एफआईआर दर्ज की जा सके। शिकायत करने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर 3 दिन में 2 बार एफआईआर दर्ज की गई है। 3 दुकानदारों पर जुर्माना भी किया गया है और नियमों की अनदेखी पर 1 मॉल को भी सील किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला में विभिन्न जगहों पर मास्क न पहनकर घूमने वाले 337 लोगों के चालान काटे गए हैं और उनसे 2,76,000 जुर्माना भी वसूल किया गया है। 2 दिन में पुलिस ने 75 शादियों की जांच की गई है। एसपी ने बताया कि अब छोटी सी गलती पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान सिर्फ ग्रोसरी स्टोर ही खुले, संयुक्त सामान वालों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। नमस्कार, जैसा आपको विदित है कि 7 तारीख सुबह से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में गाइडलाइंस इशू की थी और उसके बाद आज सुबह से थोड़ी डिफरेंट गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स, क्योंकि कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे तो वो इम्प्लीमेंट किए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज सुबह 8 से 11 बजे तक जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की शॉप्स थी उनके बारे में, उनमें हम लोगों ने पूरे ज़िले में जिलाधीश महोदय के आदेश के अनुसार पूरी कोशिश की और सारा पुलिस का स्टाफ आज सुबह 8 से 11 बजे तक मार्केट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ड्यूटी पे तैनात था और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करवाने की पूरी कोशिश की। मास्क लोग लगाएं और शॉप्स में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अच्छे ढंग से फॉलो करें। तो इस बारे में आज मैं ज़िला कांगड़ा की जनता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जिन लोगों को जो आवश्यक खरीदारी करनी थी और जिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया था उसी ढंग से काफ़ी अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और 11 बजे के बाद से हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक जगहों पे, कस्बों में और जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर छोटे छोटे इंटरसेक्शन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि जो अननेसेसरी आवाजाही या मूवमेंट है उसको रोका जा सके, चेक किया जा सके। इसके साथ साथ जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उनके जो लोग हैं वो भी निर्बाध तरीके से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के या परेशानी के अपनी मूवमेंट कर सकें और जो एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं वहाँ पर लोगों को ऑफिस जाने में और अपने इंस्टीट्यूशंस या और कोई जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो ये हमने सुनिश्चित किया है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख सुबह से जब से गवर्नमेंट की कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस इशू हुई हैं तब से हम लोगों का जो मेन फोकस था वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करवाना था कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और इस संबंध में शादियां एक और इम्पॉर्टेंट पहलू था और हमने कोशिश की है कि लगभग हर एक शादी में 2 दिन पहले और 1 दिन पहले पुलिस स्टेशन से जिसके यहाँ शादी है उनको कॉल जाए और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, धाम या कम्युनिटी फीस्टिंग नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग होगा,
तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार थाने से 2 दिन पहले 1 दिन पहले फ़ोन किए हैं। रैंडम तौर पर मैंने स्वयं भी 5 से 10% लोगों को खुद कॉल किया है और मैंने उनका फीडबैक भी लिया और मुझे पता चला कि थाने से उन लोगों को कॉल आया था। मैंने भी उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि शादियों की वजह से भी शायद हमारे जो कोविड के नंबर हैं जो अलार्मिंग तौर पर जिला कांगड़ा में बढ़े हैं तो वजह हो सकता है, तो इसके लिए भी हमने कोशिश की है। तो इस संबंध में पिछले 3 दिन में हमने 2 FIR रजिस्टर किए हैं जहां पर शादियों में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मिला, जहां पर अनऑथराइज्ड शॉप्स के खुलने का है 3 चालान किए गए, एक मेगा मार्ट को हमने सील किया है, एक प्री वेडिंग सेरेमनी जो परमिटेड नहीं थी उसमें भी हमने जो है चालान किया है और 5,000 रुपये का फाइन किया है। इन 2 दिनों में 337 विदाउट मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करने के चालान किए गए हैं जिसमें 2,76,000 के करीब हमने फाइन किया है, और पिछले 2 दिन में 556 शादियों को हम लोगों ने फिजिकली चेक किया है और 100% शादियों को हमने कॉल किया है और उन लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। सो दिस इज द एफर्ट, दिस इज द टास्क विच कांगड़ा पुलिस इज परफॉर्मिंग। तो अगले आने वाले 7 दिनों के लिए भी हम लोग इसी ढंग से डेली ये चीज़ें सुनिश्चित करते रहेंगे कि सुबह 8 से 11 बजे तक ही जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की इसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स हैं वो खुलें और उसके बाद वो बंद रहें, अननेसेसरी मूवमेंट लोगों की ना हो, और अगर इसकी वायलेशन होगी तो डे बाय डे मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो एक्शन है वो स्ट्रिंजेंट होता जाएगा। Day 1 लेस चलांस और वार्निंग्स, लेकिन Day 2 ऑनवर्ड्स देर विल बी चलांस एंड Day 3 ऑनवर्ड्स छोटी वायलेशन के लिए भी वी कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से लास्ट ईयर से लगभग सब लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में मालूम है, हमारे नंबर्स जिला कांगड़ा के अलार्मिंग तौर पर बढ़े हैं। सो अगर 1-2 दिन में भी उसके बाद हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो हम छोटी वायलेशन पर भी हम लोग FIR रजिस्टर्स करेंगे और इस बारे में मैंने पूरे जिला में उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं।